मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार आईटीआई नगर में। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 13 चैप्टर होगा, जो है हमारा ट्रेड टूल्स। क्या है? ट्रेड टूल्स यानी ट्रेड औजार। देखिए, इस चैप्टर में हमारे टोटल क्वेश्चन है जो वे है 35 क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा 13.1, उसमें 20 क्वेश्चन कराएंगे पहले, फिर दूसरे लेक्चर 13.2 में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमारी है अरिहंत बुक सॉल्यूशन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि BIS का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, BIS का पूर्ण रूप पूछा है। BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो राइट आंसर तो बनता है हमारा ऑप्शन ए। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आपके याद नहीं है तो आप देख सकते हैं। देखिए, बी से हो गया हमारा ब्यूरो। देखिए, ब्यूरो तीनों ऑप्शन में दिया है, ऑफ ऑफ ऑफ। अब आप देखोगे कि आई से क्या बनता है? इंडियन। आई से अमेरिकन नहीं बनता, आई से एशियन नहीं बनता। तो आपको सीधा दिख रहा है कि आई से इंडियन है और स्टैंडर्ड, यानी हमारा राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। ये तब बता रहा हूँ मैं अगर आपके याद नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको ये याद रखना है। एग्जाम में जो हमारे ऑप्शन आते हैं वे मिलते जुलते भी आ जाते हैं, फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सीधा सा आपको सिंपल सी इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS की फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थापनों से संबंधित है। वो है हमारा IS 732। क्या है? IS 732 के जो हमारा BIS संस्तुति है उसके अनुसार है, IS 732 के अनुसार। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है। जो हमारा प्लायर्स होता है यानी जो प्लास होता है उसका धातु पूछा है, किस धातु से बनाया जाता है। वो बनाया जाता है हमारा इस्पात से यानी स्टील से। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि विकर्ण कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए, विकर्ण कटर प्लायर का दूसरा नाम, एक तो नाम है ही है विकर्ण कटर प्लायर, लेकिन दूसरा नाम पूछा है वो क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, विकर्ण कटर प्लायर होता कैसा है। देखिए, जो हमारा ये डायग्राम है ये हमारा विकर्ण कटर प्लायर है। आपको ये डायग्राम, ये चित्र आपको याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इस आकृति को पहचानिए, इस चित्र को पहचानिए और औजार का नाम बताइए। तो अगर हमें ये आकृति पता होगी तो हम इस चित्र को पहचान कर हम सीधा लगाएंगे विकर्ण कटर प्लायर। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसी प्लायर का दूसरा नाम क्या होता है। इसका दूसरा नाम होता है पार्स कटिंग प्लायर, जो ऑप्शन डी में दिया है, पार्स कटिंग प्लायर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग करते हैं। देखिए, धातु के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उन्हें आकृति देनी है, तो हम कौन सा प्लायर को यानी कौन सा प्लास यूज करेंगे। हम यूज करते हैं, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा प्लायर हम यूज करते हैं। देखिए, हम ये प्लायर यूज करते हैं, ये प्लायर हमारा फ्लैट नोज प्लायर। किसका यूज करते हैं? फ्लैट नोज प्लायर का, और जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसके द्वारा करते हैं, हम करते हैं फ्लैट नोज प्लायर के द्वारा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में दर्शाए गए प्लायर के चित्र में सी से अंकित भाग को पहचानिए। देखिए, ये वाला पूछा है कि ये भाग कौन सा है जो उनसे सी से अंकित किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये भाग होता है ये हमारा पिवेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पिवेट कहलाता है। ये कहलाता है हमारा हैंडल, ये कहलाता है हमारा जो पिवेट हैंडल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में सी से अंकित भाग पूछा है, वो हमारा है पिवेट, जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, पिवेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, फोर्थ क्वेश्चन में दिखाया था विकर्ण कटिंग प्लायर था जो हमारा, वो मैंने दिखाया था। तो आपको याद होगा, देखो कुछ इस प्रकार की आकृति थी। तो इसमें ये पूछा है कि ये प्लायर कौन सा है, तो ये प्लायर है हमारा विकर्ण कटर प्लायर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। देखिए इसने चार ऑप्शन में हमें चार भाग दिए हैं और पूछा है कि वो भाग बताइए जो हथौड़े का नहीं होता। देखिए हथौड़ा हमारा ये होता है और भाग कुछ इस प्रकार होते हैं इसके। ये बॉल पिन हैमर है हमारा, ये इसकी पिन है, ये इसका वेज है, ये इसका नेक है, ये इसका फेस है और ये क्या है हैंडल। तो अब क्वेश्चन में देखो आप कि हमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में हमें ये दिया है फेस, हाँ अभी देखा हमने फेस भी होता है, पिन भी होती है और हैंडल भी होता है, लेकिन जो सैंक होता है वो हैंडल का कोई भी भाग नहीं देखने को मिला। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सैंक। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि टेनन सा के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है। देखिए टेनन सा की ब्लेड की लंबाई पूछी है। ब्लेड की लंबाई बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टेनन सा कैसा होता है। टेनन सा हमारा इस प्रकार का होता है। देखिए टेनन सा ये है और इस ब्लेड की इसने लंबाई पूछी है, तो इस ब्लेड की होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, टेनन सा की ब्लेड की लंबाई होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। की होल आरी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आप पहले देख लीजिए की होल आरी कैसी होती है। ये होती है हमारी की होल आरी। देख की होल आरी, देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी होल करने के काम आती है। किसी सीट के बीच में कोई गोल या कोई किसी आकृति को काटने के लिए हम की होल आरी का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो हमारी की होल आरी है उसका हम यूज किस लिए करते हैं। वो करते हैं हम वक्र रेखा कटिंग के लिए और आकृति को काटने के लिए, किसी भी आकृति को काटने के लिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी और सी हमारा राइट बनता है, लेकिन ऑप्शन डी हम लगाएंगे क्योंकि इसमें कहा है बी और सी दोनों के लिए हम यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की सैंक की लंबाई होती है। देखिए जो हमारा विद्युत मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है जो हमारा, उसके पास में जो पेचकस होता है उसकी सैंक की, ये पेचकस जो होते हैं, पेचकस की सैंक वो कहलाती है जो हमारी, अभी दिखाता हूँ मैं पेचकस की सैंक क्या होती है, अभी दिखाता हूँ। देखिए जो सैंक होती है ये हमारा पेचकस है। जो सैंक पूछा है इसने, सैंक होती है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी क्या है, ये हमारी सैंक है। तो देखो डायग्राम भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो जो हमारा ये पेचकस है, यानी जो यहाँ से लेकर ये क्या है हमारी, ये सैंक होती है, और ये इसकी क्या होती है, ये उसकी होती है टिप। तो ठीक है, ये आप इसमें भी देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर इसकी सैंक है और ये क्या है, टिप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि उस सैंक की लंबाई पूछा है कितनी होती है। उस सैंक की मैं बता देता हूँ 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होती है, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन के पास में होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए। देखिए सूची एक और दो दी है, हमें मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारी ये जो आरी है ये कौन सी है, बताइए कौन सी है। मैंने अभी अभी ये पीछे आपको डायग्राम दिखाया था आरी का, बताइए कौन सी है। ये आरी है हमारी टेनन सा, क्या है, कौन सी है आरी, ये हमारी कौन सी है, टेनन सा। और ये जो बी और बी में दिया है ये हमारा क्या है, ये हमारा है पेचकस जो मिलेगा तीसरे से, और ये हमारा है फेज टेस्टर, ये मिलेगा पहले से, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पोकर, ये मिलेगा दूसरे से। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में अच्छे से याद रखना कि किसका क्या नाम होता है। देख जो हमारी औजार्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं हमारे ट्रेड के, उनका बहुत ही मेन यही होता है कि उनके हमें नाम याद रखने होते हैं, और उनका जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनके नाम हमें याद रखने होते हैं। मेन यही होता है हमारे जो ट्रेड टूल्स चैप्टर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। देखिए मैंने पीछे अभी इस क्वेश्चन में दिखाया है आपको, ये वाला चित्र आया था हमारे पास में, ये मैंने क्या बताया था, ये होता है हमारा पोकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि जो ये चित्र है इसको पहचानिए, ये औजार पहचानिए अपना क्या कौन सा है हमारा, ये हमारा है पोकर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी पोकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फेज टेस्टर का प्रयोग वोल्ट से अधिक वोल्टेज प्रशिक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। जो हमारा फेज टेस्टर होता है, फेज टेस्टर आपने देखा होगा, जिससे हम लाइट चेक करते हैं कि हमारा जो करंट है वो आया है नहीं है। ये फेज टेस्टर कुछ इस प्रकार होता है, ये हमारा फेज टेस्टर होता है। देखें यहाँ पे ये न्यून लैंप लगा होता है जिसमें लैंप जलता है, ये इसका क्लिप होता है, ये इसकी सैंक होती है, ये इसकी टिप होती है।
तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही कहा है कि जो ये हमारा फेस टेस्टर है ये कितने वोल्ट तक को सहन कर सकता है, ये 500 वोल्ट तक को सहन कर सकता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी 500 वोल्ट। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दो कथन दिए हैं, हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन एक कहता है स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्ह औजार है। जी हाँ, जो हमारा स्क्राइबर होता है वो स्टील से बना होता है और वो चिन्ह औजार होता है, उससे हम निशान लगाने का कार्य करते हैं। आपको आज इस लेक्चर के बाद में आपको अपनी बुक में देखना है कि जो हमारा स्क्राइबर होता है उसका देखने में वो कैसा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको देखने के लिए, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज के साथ साथ में हमारा जो ड्राइंग का पेपर होता है उस ड्राइंग में पिछले साल क्वेश्चन आया था कि जो हमारा डबल टैप स्क्राइबर होता है वो कैसा होता है, उसका डायग्राम बनाइए। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्लेन स्क्राइबर और एक होता है डबल टिप स्क्राइबर। तो ये दोनों आपको देखने हैं। और दूसरे कथन में कहा है कि ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहते हैं। देखिए ट्राई स्क्वायर कुछ हमारा इस प्रकार होता है जिसे हम गुनिया भी बोलते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा ट्राई स्क्वायर, ऐसा देखा होगा आपने। तो ये सही है, कह रहा है कि जो हमारा ये ट्राई स्क्वायर होता है ये इसे हम गुनिया भी बोल देते हैं। तो यानी जो दोनों कथन दिया है ये बिल्कुल सही कह रही है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, कथन एक और दो दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की खालिस्तान पर की जाती है। देखिए ये पूछ रहा है जो हमारा गुणिया होता है ट्राई स्क्वायर होता है उसके द्वारा हम क्या परखते हैं, समकोणता न्यूनकोणता अधिकोणता, इनमें से कोई नहीं, हम परखते हैं समकोणता को। किसे परखते हैं, समकोणता को हम परखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है हमारा पीसीबी पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। देखिए उस पर चिन्ह बनाने उपयोग करने से पहले हम जो चिन्ह लगाते हैं उस पर हम करते हैं पंच से, उस पर हम क्या करते हैं उस पर निशान लगाते हैं, छिद्र करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंच भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच और एक होता है प्रिक पंच। ठीक है, सेंटर पंच हमारा 90 डिग्री पर होती है, जो उसकी टिप होती है कुछ इस प्रकार होती है उसकी टिप। देखिए मैं टिप दिखाता हूँ, जो यहाँ पे कौन बनता है, ये बनता है 90 डिग्री का और ये है हमारा सेंटर पंच। और जो हमारा होता है प्रिक सेंटर, ये जो इसकी ये होती है ये यहाँ पर दो बनती है 30 डिग्री और दूसरा होता है 60 डिग्री का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्न में से किसके द्वारा स्थाई मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। स्थाई मार्किंग का कार्य, देखिए जो हम स्थाई मार्किंग करते हैं वो भी हम पंच के माध्यम से ही करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी पंच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे हमें हल्के पंच करने के लिए, हमें हल्के निशान लगाने के लिए हमें कौन सा यूज करना होगा पंच, वो करना होगा हमें 30 डिग्री का। अब पूछा है कि जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए हम कितने युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, हम अगर हमें साक्ष्य चिन्ह लगाने हैं तो हम 60 डिग्री पंच का यूज करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है इसने, सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए। देखिए जो कर्तन कार्य है हमारा, कर्तन कार्य हम किसके द्वारा करते हैं, यानी कर्तन यानी काटना, इसलिए कर्तन हम करते हैं हैक्स के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, हैक्स के द्वारा। चिन्ह लगाते हैं हम, चिन्ह बताया किसके द्वारा लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं हम डिवाइडर के द्वारा। छिद्रण करते हैं हम ड्रिल मशीन के द्वारा और मापन करते हैं हम स्टील पैमाना के द्वारा। किसके द्वारा, स्टील पैमाना के द्वारा। तो जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा दूसरा। तो राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का लेक्चर हम इसी क्वेश्चन के साथ में समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सभी क्वेश्चन का आपको सटीक आंसर बहुत ही विस्तार पूर्वक मिल रहा होगा। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना छोड़ सकते हैं, उसका आपको आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे। और अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं, सभी सीरीज वाइज देखने हैं, अपनी अरिहंत बुक सॉल्यूशन को सीरीज वाइज देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का।
तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आपको सारे लेक्चर सीरीज वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आज के क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर 13.2 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 13.2 में, इसलिए टाटा टाटा एंड बाय बाय। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।